नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पाली ब्लॉक में जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो शवों को लाने ले जाने के लिए नगर पालिका के कचरा वाहन का उपयोग किया जाता है, जो मानवता को शर्मसार करता है। यही नहीं, यहां कई तस्वीर ऐसी भी सामने आती हैं कि परिजन स्वयं कंधे पर शव को ले जाते हैं। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर नगर के युवा समाज सेवी आशु अग्रवाल ने कलेक्टर को एक ज्ञापन पत्र सौंप कर शव वाहन की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर मामले को मानव अधिकार आयोग पर ले जाने की बात कही है। कलेक्टर महोदय को एक लेटर सौंपा है और उसमें हमने स्पष्ट रूप से मांग की है कि यहाँ पे शव वाहन की तत्काल व्यवस्था की जाए। यहाँ पे सुदूर 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए शव को ले जाने के लिए प्राइवेट गाड़ी वाले 8,000 रुपये का चार्ज करते हैं, जिसको गरीब आदमी दे पाने में असमर्थ है। इसलिए हमने ये बिल्कुल कलेक्टर महोदय से स्पष्ट रूप से कहा है कि हर हाल में यहाँ पे शव वाहन की व्यवस्था की जाए। यदि त्वरित कार्रवाई करके शव वाहन की व्यवस्था यहाँ नहीं कराई जाती है तो हम लोग मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे और हर हाल में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस मामले में कांग्रेस व बीजेपी नेताओं ने मोहर लगाते हुए समर्थन भी दिया है। इतने बड़े शहर में शव वाहन उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य विभाग या नगर पालिका, ये सबकी संयुक्त जवाबदारी बनती है कि वो इस चीजों की व्यवस्था करें। क्योंकि देखने में ये आता है कि जब कोई अगर धर्म प्रेमी या दान करता अगर ऐसी चीज को दान भी दे दे तो इसकी क्या गारंटी है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन वाहनों की उचित देखभाल की जाएगी। कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी जनता को उपलब्धि करवाई जाए, जिससे जनता इन सब चीजों से परेशान ना हो। जब यहाँ कोई घटना होती है या दुर्घटना होती है तो शवों को लाने के लिए हमें हमारे नगर के लिए जो संसार वाली बात है कि नगर पे जो घटना दुर्घटना हो रही है, शवों को लाने के लिए हमें हमारे प्रशासन द्वारा यहाँ पे कचरे की गाड़ी का उपयोग किया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे चार शवों को ले जाने के लिए कचरे की गाड़ी का उपयोग किया गया, जिससे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत शर्म आती है हमारे यहाँ पे नगर में। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि आगे प्रशासन द्वारा कि हमें यहाँ पे या जिला अस्पताल द्वारा या नगर पालिका द्वारा शव वाहन को उपलब्ध कराया जाए। इस मुद्दे पर देखना लाजमी होगा कि आगे क्या होगा। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।